बात करेंगे सेकंड लेसन लो। इस पार्ट में चर्चा करेंगे लॉस्ट सफरिंग, जो एनिस जंग का लिखा हुआ है, एनिस जंग जो इंडियन राइटर्स हैं, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो दो पार्ट में लिखा गया है, एक मुकेश की कहानी है और एक साहिब आलम की। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है पहले पार्ट की चर्चा करेंगे, पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे। एनिस जंग्स 1964 में जन्म हुआ था, वाज बोर्न इन राउरकेला में एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, और किशोर अवस्था इन्होंने हैदराबाद में ही अपनी व्यतीत की थी। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन हैदराबाद में पढ़ी एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी पढ़ी हुई है। हर पेरेंट्स, इसके माता पिता पर बोथ राइटर, दोनों लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर के रूप में, अपनी भविष्य इन्होंने स्टार्ट किया था। सी हैज बीन एन एडिटर, संपादक भी रही हैं, एंड कॉल मी स्टेक की कॉलम्स लिखने वाली फॉर मेजर न्यूज़पेपर, सभी अखबारों के अंदर बड़े बड़े जो इन इंडिया के एंड अब्रोड और बाहर विदेशों के अंदर भी, एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक, और कई सारे जो पुस्तकें हैं इन्होंने लेखक रही हैं। द फॉलोइंग्स इज द एक्सर्ट्स फ्रॉम द बुक्स, ये जो अंश है, एक्सर्ट्स होता है अंश पार्ट, फ्रॉम द बुक टाइटल लॉस्ट सफरिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये लॉस्ट सफरिंग से लिया गया है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर सी एनालिसिस, यहाँ पर विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो बहुत ज्यादा रगड़ने वाली गरीबी है, एंड ट्रेडिशन, और परंपराएं हमारी जो गलत हैं, विच कॉन्डम्स द चिल्ड्रन, जो आलोचनाएं करती है इन बच्चों के लिए, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, की हम इन्होंने जिंदगी एक शोषण भरी जिंदगी जीनी पड़ती है, इसके बारे में बताया गया इसमें सारे। कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, स्लोग ऑफ देयर डे लाइट आवर्स, मतलब लगातार दिन के इसमें संघर्ष करते रहना, रूफ ओवर हेड्स, मतलब छत होना, कोई रहने के लिए स्थान होना, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार गरीबी के अंदर जीवन व्यतीत करना, डार्क हटमेंट, अंधेरी झोपड़ी जिसके अंदर लाइट का प्रबंध नहीं है, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों को मजबूर करना, कोई प्रोफेशन, कोई पेशा अडोप्ट करने के लिए बच्चों को मजबूर करना, वो होता है इम्पोज ऑफ बैगेज ऑन द चाइल्ड। ये कुछ फ्रेजेस यूज किए गए हैं। ये जो पहला पार्ट है वो साहिब आलम के बारे में, जो लड़का पहले पार्ट का हमारा हीरो रहेगा। सम टाइम आई फाइंड ए रुपीज इन गार्बेज, होता है कूड़ा करकट, कई बार मुझे कूड़ा करकट के अंदर रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब, हुम आई इनकाउंटर, होता है मिलना, एवरी मॉर्निंग सक्रोजिंग होता है टटोलना, ढूंढना, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़ा करकट के अंदर, गोल्ड मीन सोना या पैसे ढूंढने के लिए, डंप ऑफ गार्बेज, डंप कूड़ा करकट के ढेर के अंदर, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर आ जाते थे बच्चे। मैंने पूछा, आई आस्क साहिब से मैंने पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो? हु माई इनकाउंटर, जिनको मैं प्रतिदिन एवरी मॉर्निंग सुबह मुझे मिल जाते थे, सक्रोजिंग फॉर गोल्ड, पैसे को ढूंढने के लिए, कूड़ा करकट को, गार्बेज डंप कूड़ा करकट के ढेर को टटोलते थे, ओ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था, सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका के हरे खेतों के बीच में उसका एमिड्स होता था बीच में। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर जो है अब दूर की याद भी उसका नहीं रहा है, याद नहीं है उसको। देयर वर मैनी स्टॉर्म, काफ़ी सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे, जिसने बहा दिया देयर फील्ड, उनके खेतों को, एंड होम्स, और घर को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने ये बातें उसे बताई हैं, दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, लुकिंग फॉर, ढूंढने के लिए, गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में पैसे ढूंढने के लिए, कूड़ा, वेयर ही नाउली, जहाँ पे अब रहता है वो कूड़ा करकट के अंदर से वो प्लास्टिक वगैरह इकट्ठे करते हैं, उनको बेच के पैसे कमा लेते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड कहा उसे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और काम करने को ले नहीं है, ही मटर्ड, वो बुड़बुड़ाते हुए कहता है, मैं और क्या काम कर सकता हूँ। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वो कहता है, दूर तरफ नजर एक तरफ कर लेता है। गो टू स्कूल आई से ग्लैबली, कि मैंने एकदम कहा तुरंत ग्लाइबली कि तुम स्कूल में जा सकते हो, रियलाइजिंग, ये एहसास होते हुए इमीडिएटली, तुरंत ही, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी आवाज जो बिल्कुल होलो होता, खोखली, बिल्कुल खोखली नजर आएगी। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहिब कहता है मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, अगर वो बना दे दें तब मैं स्कूल में जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं अपना स्कूल शुरू कर देती हूँ क्या तुम आओगे मेरे स्कूल में? आई आस्क, मैंने पूछ लिया, हाफ जोकिंगली, मजाक करते हुए मैंने पूछ लिया। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, जोर से हंसते हुए उसने कहा, बिल्कुल आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद में, लेटर मैंने बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है। इन बार्स उलझन में थी मैं, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, कि मैंने ऐसा वचन कर दिया था, दैट वॉज नॉट मीन, कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने कर दिया, वैसे ही बोला था। बट प्रोमिस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक्स वर्ल्ड, इस अंधेरी शून्य दुनिया के अंदर मेरे जैसे प्रोमिस जो है उनके लिए बहुत होते हैं,
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग, महीनों तक जानने के लिए, जानने के बाद ही उसको आई आस्क हिम इज नेम, मैंने उसका नाम पूछ लिया, साहिब आलम। ही अनाउंस, उसने कहा मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता था इसका क्या मतलब है साहिब आलम का। इफ ही नोज इट्स मीनिंग, अगर वो इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब होता है भगवान जो इस सारी दुनिया का मालिक है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बहुत समय लगता अपनी बात पर विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसको नहीं पता था कि उसके नाम का क्या मतलब है, क्या प्रतिनिधित्व है। ही रोम्स द स्ट्रीट, रोम्स होता है घूमना, भटकते रहना, द स्ट्रीट गलियों में घूमता रहता था, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, बेयर फुट होता नंगे पैरों वाले, पूरी की पूरी आर्मी होती थी, सेना होती थी नंगे पैरों वाले लड़के के ग्रुप होते थे। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षी की तरह नजर आते थे, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर के समय में गायब हो जाते थे। Over the months, महीनों तक, I have come to recognize each of them, कई महीनों से उन्हें देखते हुए हो गए थे, तो इस recognize होता है पहचानना, तो प्रत्येक की मुझे पहचान हो गई थी। Why aren't you wearing चप्पल, I ask man, मैंने एक से पूछा चप्पल क्यों नहीं पहन लेते हो तुम। My mother did not bring them down from the shelf, कि मेरी माँ ने टांड से उतार के, सेल्फ से उतार के दी नहीं है। He answered simply, उसने सिंपली साधारण उत्तर दे दिया कि मेरी माँ ने ऊपर रख के दी नहीं, उतार के दी है। Even if she did, he will throw them off at another, दूसरे बच्चे ने कहा अगर उसकी माँ उसको दे भी देते, ये उनको फेंक देता। Who is wearing shoes, जो जूते पहने हुए था जिस लड़के ने ये बात कही है, that do not match, उसके जूते उसको मैच नहीं कर रहे थे। When I comment on it, जब मैंने उस पर टिप्पणी दी, ही सफल होता पैर इधर उधर करना, his feet अपने पैरों को इधर उधर पलटने लगा, and says nothing, और कहा कुछ नहीं। I want shoes, says a third boy, तीसरे लड़के ने कहा मेरे को जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसे सारी जिंदगी में कभी जूतों का कोई जोड़ा नहीं मिला था। Traveling across the country, सारे देश में घूमते हुए, I have seen children, मैंने बच्चों को देखा था, walking barefoot, नंगे पैरों घूमते हुए मैंने देखा है, in city, शहरों में, on the village road, गांवों की सड़कों पे, it is not lack of money, lack of होता कमी, पैसे की कमी नहीं है, but the tradition, मतलब जूते ना पहनना वो एक tradition समझे हुए हैं, to stay barefoot, के नंगे पैरों रहना है वो एक tradition, एक परंपरा समझे हुए से। Is no explanation, ये कोई बहाना नहीं था। I wonders if this only, मुझे आश्चर्य होता है, I wonder, मुझे आश्चर्य होता है, if this is only an excuse, क्या केवल बहाना है to explain, इस बात का वर्णन करने का। A perpetual state of poverty, लगातार गरीबी की दशा में रहना, इस phrase यूज किया गया था, perpetual continuous state of poverty, गरीबी की दशा में रहना। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी, की उदीपी के एक आदमी की मुझे कहानी याद है, वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार सुनाई थी। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो स्कूल से जाता, स्कूल में जाता था, एक मंदिर के पास से गुजरता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिता जो एक पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, कुछ समय के लिए रुकता था एट द टेम्पल पे जाके, मंदिर पे जाके कुछ समय रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़े जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 वर्ष बाद, I visited his town, मैं उसके शहर में गया, and the temple, और मंदिर में भी गया, which was now drones in the air of desolation, जो बल्कि अब उजाड़ हो चुका था, डूब चुका था, in the air of desolation, सुनसान था कि घाटी के, in the backyard, पीछे के आंगन के अंदर, where lived a new priest, जहां पे अब एक नया पुजारी रहता था, there were red and white plastic chair, वहां पे लाल और सफेद जो प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन द ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे कलर की एक लड़का यूनिफॉर्म पहने हुए था, ड्रेस डाले हुए था, वियरिंग शॉक्स, जराबे डाले था, शूज जूते पहने हुए था। अराइव्ड, वो आया पेंटिंग हाफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, थ्रू होता फेंक देना, अपना स्कूल बैग फेंक दिया, ऑन द फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड रखा हुआ था, एक चारपाई थी फोल्डिंग करने वाली, उसके ऊपर डाल दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के पे देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे याद आई वो प्रार्थना, अनदर बॉय हैड मेड, जो किसी और बच्चे ने की थी, टू द गोडेसिस, देवी को, वेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और अंत में उसे जब एक जोड़ा जूतों का मिल गया। लेट मी नेवर लूज दैम, कि मैं उनको कभी न गवाऊं, द गोडेसिस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने अपनी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, की नौजवान लड़के जिस प्रकार पुजारी का लड़का था, नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स, परंतु बहुत से, लाइक द रैग पिकर, जिस प्रकार कूड़ा बीनने वाले रैग पिकर्स कहते हैं उन्हें, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो रहते हैं, रिमेन शूलेस,
वो बिना जूतों के रहते हैं। माय इक्विटेंस होता है जान पहचान, इंट्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, मेरी जान पहचान नंगे पैरों वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, मैं सीमापुरी चली जाती हूँ, मुझे जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है जहाँ पे रहते थे। ए प्लेस ऑन द परिफेरी होता आउट सक्रेट, सरहद जिसको हम कहते हैं, और दिल्ली की बाहरी सीमा पे था। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, परंतु वैसे देखें तो सही मायने में दिल्ली से माइलों दूर था, मीलों दूर था। मेटाफोरिकली होता अलंकारिक भाषा में, दिल्ली में अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पे गरीब लोग रहते थे, परंतु दिल्ली में एक प्रकार की नाम ही दिल्ली था, बस मेटाफोरिकली अलंकारिक भाषा के अंदर। Those who live here, जो लोग यहाँ पे रहते थे, are sequestered होता जो इलीगल तरीके से आए हुए हैं, who came from बांग्लादेश से बैक इन 1971 के अंदर जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश और भारत की, उसके अंदर ये भारत के अंदर एंट्री कर गए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनके अंदर से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, जब ये यहाँ 1971 में आए तो सीमापुरी जो है एक उजाड़ हुआ करता था, वाइल्डनेस हुआ करता था। इट स्टिल इज, अब भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये खाली नहीं आया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ कच्चे मकान बने हुए स्ट्रक्चर ढांचे हैं मड मिट्टी के, विद रूफ ऑफ टिन एंड टारपुलिंस की, टिन और टारपुलिंस की इसके ऊपर छतें लगाई हुई लोगों ने। डिवॉइड ऑफ सीवेज सिस्टम यहाँ नहीं है, डिवॉइड होता वंचित होना ऑफ सीवरेज से, ड्रेनेज नालियाँ नहीं है और रनिंग वाटर नहीं चलता हुआ पानी है। लीव 10,000 रैग पिकर, 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग लगभग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर से फॉर मोर देन 30 या 30 वर्षों से ज़्यादा यहाँ रह चुके हैं वो, विदाउट एन आइडेंटिटी, ना तो उनके पास पहचान पत्र है, विदाउट परमिट्स, ना ही उनके पास अनुमति है, बट विद राशन कार्ड है दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर, और जिससे उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है लिस्ट, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिससे वो अनाज खरीद लेते हैं बीपीएल से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान की बजाय जो है खाना जरूरी होता है, आइडेंटिटी होता है पहचान, सर्वाइवल जिंदा रहना। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन खत्म होने के अंदर, वी कैन फीड अवर फैमिली, फीड होता खिलाना, अगर हम अपने परिवारों को खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और जब बिस्तर पर जाए सोने के लिए, विदाउट एन एकिंग स्टमक, कि हमारा पेट दर्द ना कर रहा हो भूख की वजह से, यही बहुत होता है। वी वुड रैदर लीव हियर देन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, कि हम यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से रह रहे हैं उन खेतों के बजाय जो हमें कोई अनाज नहीं देते थे। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के समूह ने यह बात हमें कही कि हाँ बढ़िया है उन खेतों के बजाय जो हमें कुछ नहीं देते थे। इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड होता फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपनी सुंदर जमीन को क्यों छोड़ा है, ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे खेतों को एंड रिवर्स नदियों को क्यों छोड़ के आए हो। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट, वहीं पर अपना टेंट वो गाड़ देते हैं। दे पिच देयर टेंट, वो अपना टेंट लगा देते हैं, देयर टेंट, एंड बिकम ट्रांजिट होता है कुछ समय के लिए होम्स, और ट्रांजिट कुछ समय टेम्परेरी सा घर वहाँ बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए जो काम करते हैं वो भी उनके पार्टनर साथी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल, जिंदा रहना इन सीमापुरी में मीन्स रैग पिकिंग, अगर सीमापुरी में जिंदा रहना है तो रैग पिकिंग का काम है, कूड़ा बीनने का काम करना पड़ेगा। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड होता प्राप्त करना, द प्रोपोर्शन होता भाग, ओ फाइन आर्ट, ये कला बन चुकी कि इस प्रकार का काम करना उनके लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा करकट उनके लिए पैसा होता है। इट इज देयर डेली ब्रेड, उनकी रोजमर्रा की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिरों के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे वो लीक बारिश के समय में चाहे वो लीक हो रही हो, पानी नीचे आता हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, पर एक बच्चे के लिए तो इससे भी ज्यादा है। I sometimes find a rupees, even a 10 rupees note. साहिब से, साहिब कहता है कई बार मुझे पैसे भी मिल जाते हैं, कई बार तो 10 रुपए का नोट गार्बेज में मिल जाता है। His eyes lightening up, उसकी आंखें जो चमक रही थी। When you can find a silver coin, जब तुम्हें चांदी का सिक्का मिल जाता है, in the heap of garbage, कूड़ा करकट के ढेर में, you don't stop scrounging, तुम ये काम करना बंद क्यों नहीं कर देते, heap of, मतलब इन ढेर को scrounging, टटोलना बंद क्यों नहीं कर देते हो। For there is a hope of finding more, कि यहाँ पे आशा होती है और ज्यादा ढूंढने की। इट सीम्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता है, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम, कि बच्चों के लिए जो गार्बेज है कूड़ा करकट का अर्थ कुछ और होता है। वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए जो होता है उससे अलग होता है, कि माता पिता तो अपना सर्वाइवल का साधन मानते हैं, बच्चे इसमें पैसे भी को मिल जाते हैं उनको। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड ए वंडर, बच्चों के लिए तो एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है ये। फॉर एल्डर्स के लिए इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये जो एक जिंदा रहने का साधन होता है।
वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी ऋतु की प्रातः की बात है, आईसी साहिब को मैंने देखा स्टैंडिंग बाय द फेंस, होता है चार दीवारी गेट ऑफ ए नेबरहुड क्लब, पड़ोस में मेरे क्लब है वहां पे वो चार दीवारी के पास खड़ा हुआ था। वॉचिंग टू यंग मैन, देख रहा था दो नौजवान आदमियों को ड्रेस्ड इन व्हाइट, सफेद कपड़े पहने हुए, प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे थे, उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स होता गुनगुनाना, उसने गुनगुनाते हुए कहा कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है। कंटेंट संतुष्ट था, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे से देख के ही उनको वो उससे खुश था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, कि जब यहां आसपास में कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूं। उसकी हेडमिट, उसने ये बात स्वीकार की। द गेट कीपर, जो चौकीदार है, लेट्स मी यूज द स्विंग, होता है झूला, मुझे झूले पे झूलने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी उस दिन जो है टेनिस के जूते पहने हुए थे, सफेद जूते पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रिंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट, होता है निकर, कि उसकी जो डिसकलर होता खराब गंदी सी वो कमीज और निकर पहने हुए था उसके ऊपर, जो बड़े अजीब से नजर आ रहे थे, विचित्र नजर आ रहे थे। समवन गिव देम टू मी, किसी ने मुझे दे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जैसे मुझे बताना चाहता हो कि मुझे किसी ने दिए हैं ये। तो द फैक्ट, सच्चाई है, दैट दे आर डिस्कार्ड, होता त्यागे हुए, फेंक देना। शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के ने त्याग दिए थे, पहनना बंद कर दिए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, शायद उसने पहनने से इनको मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक जूते के अंदर सुराख हो गया था। डज नॉट बोदर हिम, उसको कोई परेशानी इसके बारे में नहीं थी। For one who has walked barefoot, जो बच्चा नंगे पैरों चलता है, even shoes with the holes is a dream come true, अगर उसको जूते मिल जाए चाहे उसमें एक सुराख हुआ हुआ हो तो उसका जिस प्रकार सपना सच होता है ऐसा नजर आता है। But the game he is watching, परंतु जो खेल वो देख रहा था, so intently होता उत्सुकता से, attentively is out of his reach, वो उसकी पहुंच से दूर था। दिस मॉर्निंग, इस प्रातः साहिब ऑन हिज वे टू माइल मिल्क बूथ, की साहिब जो है सुबह सुबह मिल्क के दूध के बूथ पे जा रहा था दूध लेने। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर, कि उसके एक हाथ में स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल्स डाउन द रोड, कि उसने कहा कि मैं अब चाय की दुकान पे काम करता हूँ। ही से जिसने कहा मैं अब चाय की दुकान पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए, आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरे तीनों टाइम का खाना, जितना मुझे जिस समय मैं खाता हूँ खाना भी मेरा वो देता है। डज ही लाइक दिस जॉब, दिस जॉब, क्या उसको ये काम पसंद था? यास्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें ये काम पसंद है? हिज फेस, उसका चेहरा, इसी मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो स्वतंत्र घूमने की जो उसकी नजर थी वो जा चुकी थी। द स्टील कनस्तर, जो स्टील का कनस्तर था, कंटेनर था, सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो उसका प्लास्टिक अपना बैग होता था उसे भारी प्रतीत हो रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो अपने आसानी से अपने कंधे पर उठाकर चलता था। द बैग वॉज हिज बैग, तो उसका अपना होता था। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन, कनस्तर जो उस आदमी से संबंध रखता है। हिज फेस, उसके चेहरे पे, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो स्वतंत्र रहने वाली नजर थी वो जा चुकी थी। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर, स्टील का कनस्तर भारी प्रतीत होता था। देन द प्लास्टिक बैग की बजाय, ही वुड कैरी सो लाइटली, अपने प्लास्टिक के बैग आसानी से ले जाता था ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर। द बैग वॉज हिज बैग, उसका अपना होता था। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कनस्तर उस आदमी का है जिसकी अपनी चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है अपना मालिक खुद नहीं रहा है। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव एक कार, ये मुकेश की कहानी है फिरोजाबाद की, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, कूड़ा करकट के ढेर में साहिब क्या ढूंढता था? पेपर, रैग्स, प्लास्टिक आइटम जो बेचते हैं प्लास्टिक के। वेयर इज ही, वो इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कि वो कहां से आए हैं? वो ढाका से आए हुए हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द थ्रिलर नॉट वियरिंग फुटवेयर, कि लेखिका हमारे को क्या कहती है कि जूते क्यों नहीं पहनते? कह रही है कस्टम, इनकी ट्रेडिशंस है इस वजह से ये नहीं पहनते, ये बात इसने कही है। साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल से एक्सप्लेन, साहिब जो है क्या खुश है टी स्टॉल पे काम करके? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी, क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसका जो बैग था उसका अपना था और ये जो दूसरे मालिक का है, इस वजह से वो खुश नहीं है।